ओम प्रकाश चौटाला का जब राजभाषण 2004 में दादरी से लेकर के राम हुशियार सिंह अवार कि दादरी से लेकर के नारनौल का रोड अगर जोड़ा करके किसी ने बनाया था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया था। कांग्रेस का जो शासक है राहुल गांधी विधानसभा में बोलता कि मेरे यहाँ रोड नहीं, अरे कम से कम शर्म कर, 10 साल तक कंटिन्यू मंत्री रहा, तेरे से देश से रोड़ी नहीं पड़ी और विधानसभा में आवाज उठाता, क्या विधानसभा में आवाज उठाने के लायक रह गया? मेरा कहने का अभिप्राय उसके बाद ये टिकट देता और अब ये 4 लाइन जमीन इंक्वायर हुई 6 लाइन की, एक ऐसा टुकड़ा पूरे हिंदुस्तान में कि वो मनोला तक रोड 6 लाइन, नारनौल से आगे 6 लाइन और बीच का रास्ता 4 लाइन, ये नेताओं की त्रुटि। महेंद्रगढ़ में कितने घंटे करण चौटाला जी कल के रुके हुए, ये अभी दीपक जलाएंगे और कहे 22 तारीख को भगवान राम को हम सबसे ज्यादा मानते, ये जो जितने भी ढिंडोरा पीटते बोल रहे हैं ना, ये जो भगवान राम की आर्थिक लिया की वो हमें आती है। जब राम मंदिर आगे बढ़ने के लिए जा रहा था, चंदा इकट्ठा किया था, मैंने 1 लाख रुपए देने का काम किया था, पर पीला था और ये बात का लोग अब कह रहे हैं 22,000-2 लाख दीपक जलाएंगे। मैं आपको एक बात कहता हूं, दीपक आप भी जलाना महेंद्रगढ़ में, पर दीपक उस गड्ढे में जलाना जो इस सरकार ने गड्ढा खोदने का काम किया, उस गड्ढे में दीपक जलाना ताकि इनको पता लग जाए कि भगवान राम को तो मानते हैं पर तुमने क्या कर रखा है, वो दीपक ध्यान डाल रहा है। मेरा कहने का अभिप्राय कि सरकार आएगी, जितना भी कागज है सबको पार के फटवा देगी, एक राशन कार्ड बचेगा उससे पेंशन बनेगी, उसी से राशन मिलेगा, उसी से सारा काम होगा। 1.5 किलो कागज जो तुम्हारी थैली में डाल रखे हैं ना, ये कोई कागज किसी काम का नहीं रहेगा। अब आपको सबको करण सिंह चौटाला बन के लग रहा है, मेरा ये अभिप्राय है और मैं दोबारा से दीपक यादव को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नया नवयुवक है, जवान है और इसको राजनीति का इतना ज्ञान भी नहीं है, हम तेरे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और किसी बात की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमारे संगाराम खेलगी से संगाराम एक बार आए, बलोक समिति का मेंबर गांव में सरपंच भी यही बनाता है, हमारे पार्टी को बीच में क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने जो दिक्कत की थी तो उसने संगाराम देख करके कि भाई कहां जाए कहां नहीं जाए, संगाराम बीजेपी में चला गया था, संगाराम ने बीजेपी को आर्मीदार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के चरणों में कहा। जब मैं गुड़गावा लेकर के गया तो संगाराम ने जो ही ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ देखा और देखते ही संगाराम की आंखों में आंसू आ गए थे कि हम आपसे दूर गए थे पर हमारा दिल दूर नहीं था, आज भी हम आपके साथ हैं। और संगाराम ने उसी दिन कह दिया था कि जहां भी इनेलो का पसीना बहेगा मैं खून बहाने का काम करूंगा। आज देखा जाए हमारा सही प्रधान हमें बनाया कि आगे सही, आज सहनियों का सिस्टम हमारे पास सबसे ज्यादा होता जा रहा है। करण सिंह जी भाई साहब, आज देखा जाए कि आज का नौजवान महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा अगर कोई हमारे साथ आज भी जुड़ने लग रहा है तो महेंद्रगढ़ का गरीब तबका जुड़ने लग रहा है। और सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आज रात को याद करोगे वैसे करते हो, मैं तत्परता से आपके बीच में मिलता हूँ। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी अधिकारी कोई कर्मचारी कोई नेता आपको अगर बगैर वजह परेशान करता आप हमारे पास आइएगा, आप आके रहते हैं, मैं शहर में ढूंढता रहता हूँ और बाकी बात आपको हमारे नेताओं की सुननी है। आज सरकार वो षड्यंत्रकारी सरकार, षड्यंत्र में फंसाती है सरकार, ये सरकार दबाना चाहती है हर आदमी को। और एक उदाहरण बता देता हूँ कि इस सरकार के हालात क्या है। अभी राजस्थान में कितने दिन पहले चुनाव हुए थे, 1.5 महीना पहले मुख्यमंत्री भी बना दिया, सरकार बना दी और टीटी साहब को मंत्री भी बना दिया हारे हुए को, और फिर करणपुर में एक सीट खाली करवाई।
गई जीतती हो या मिलने से कि आप इस सीट को खाली करो या इसको चुनाव लड़ाएंगे जीती साहब को। सीखना है तो कर्णपुर की जनता से सीखो। उन्होंने क्या काम किया, वहां जाकर के उपचुनाव करवाया और उसको 12,000 से दोबारा हरा दिया, बनाए हुए मंत्री को हरा दिया। अब ये होनी है बीजेपी, अब बीजेपी का कोई सिस्टम है नहीं। कल एक बार कह रहे थे हमारे यहां प्रदेश अध्यक्ष आए थे शरी साहब, वो भाषण लेकर के गए हैं, शरी साहब बढ़िया आदमी है ठीक है, पर उन्होंने एक बात कही कि बगैर खर्ची और बगैर खर्ची की सरकार है, सरकार बगैर खर्ची की खर्ची की सरकार है। मार लाए तो पंचायत ही तक भी होती है, बदली नहीं थी सरकार भी मेरा रुपया ले लिया, मेरे 100 रुपया लाके मेरा रुपया दे। और ये कह रहे हैं बगैर खर्ची की सरकार, कितनी पंचायत ले गया हूं, कितने पैसे दिए हुए गिना, कितने सबूत गिनाए। एक वो कैलाश अहमद का वो आज भी फेसबुक पे रिश्ते रोने लग रहा, कितनों को गिनाया जाए। यहां जो देखा जाए तो चोर ही चोर, मेरा कहने का अभिप्राय एक ही कि चौटाला साहब से ज्यादा खड़ा आपका कोई नहीं कर सकता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बोल लेता है कि उसके कार्यकर्ता के ऊपर दिक्कत आए वो भी दे रहे 2 घंटे उसके घर पहुंचने का काम करता है। और वैसे भी देखा जाए तो आज आपको एक नया काम बता रहा हूं, किसी का फैक्ट्री पढ़ाई हो, किसी को कोई नेता परेशान करता हो, किसी को कोई अधिकारी परेशान करता हो, किसी के साथ कोई गुंडागर्दी करता है, झंडा अपने घर पे लगाओ, 3 किलोमीटर तक उस घर के अंदर वोट की पढ़ाई का भी काम नहीं रहता, जेल का मानस बदमाशी का से करेगा। अधिकारी परेशान कहां से करेगा जब लोकल की झंडी जब चलती हुई दिखाई देगी, यहां पहुंचे पड़े गए थे करीब आदमियों के, जब मैं वहां पहुंचा था जब चश्मा की झंडी वहां पे पहुंची थी, मैंने एक ही बार कहा था कि खबरदार अगर किसी के हाथ लगाया तो, किसी कर्मचारी अधिकारी की हिम्मत नहीं बढ़ी थी, DCS की हमने खड़ा था, किसी ने हाथ नहीं लगाया। परंतु जब राम विलास जी शर्मा वहां पे पहुंचा और वो कहने लगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूं और पहुंचे उसके सामने बांटने का काम किया, ये सोचने का विषय है। आप सबने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है, मैंने समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। क्यों कि महेंद्रगढ़ भाई साहब बहुत ज्यादा दलदल में इनको बताना पड़ता है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, और एक बार जोरदार जयकारा लगाना है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमित सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत।